एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनीशा स्टाइल्स और मैं हूँ अनीशा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो ये है कि आज का वीडियो ना बहुत ही खास होने वाला है फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत एक्साइट होने वाला है क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ फिर से एक इंस्पायर्ड मेकअप लुक। एंड ये लुक जो मैंने क्रिएट किया है वो है कि कैनन्स का 2022 का दीपिका पादुकोण इंस्पायर्ड लुक। एस फ्रेंड्स वो लुक जो है मुझे मतलब इतना पसंद आया कि मैं खुद को मतलब रोक ही नहीं पाई, मुझे इस लुक को जो है मतलब ट्राई करना ही है। एंड क्योंकि उसमें ना दीपिका पादुकोण जी बहुत मतलब बहुत क्यूट से लग रही है, मतलब एकदम ब्लैक स्मोकी आइज। एंड चलिए फ्रेंड्स बिना देरी के लिए वीडियो में जो है मूव ऑन हो जाते हैं जल्दी से। मूव ऑन होने से पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को जो है वो है ऑन करना है क्योंकि मेरे जो भी नोटिफिकेशन है आपके पास जल्द से जल्द आ जाएंगे। एंड कीजिए फ्रेंड्स मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो, मेरे इंस्टाग्राम आई डी है अनीशा स्टाइल्स। एंड चलिए फ्रेंड्स मैं ना बहुत एक्साइट हूँ इस लुक को जो है वो है करने के लिए। एंड चलिए फ्रेंड्स बिना देरी के लिए वीडियो में मूव ऑन हो जाते हैं। पहला जो मेकअप से जो पहले करते हैं वो है कि मॉइस्चराइजिंग। मॉइस्चराइजिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये पॉन्ड्स का लाइट वेट मॉइस्चराइजर। एंड यही से मैं अपने फेस को जो है मॉइस्चराइजिंग अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाली हूँ थोड़ा सा मैं प्राइमर जो लेती हूँ, बस इतना लिटिल बिट ऑफ प्राइमर जो है मैं अप्लाई करूँगी। एंड ये सारे प्रोडक्ट जो है मैं बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ आज। पर मैं कौन सा भी फाउंडेशंस का यूज़ नहीं कर रही हूँ, ओनली मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बीबी क्रीम। एंड बीबी क्रीम आपकी मर्जी है, आपका चॉइस है, आपको चाहो तो आप फाउंडेशंस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। एंड मुझे ना यहाँ पर बीबी क्रीम लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा कवरेज मिलता है। एंड डॉट डॉट करके अपने फेस पर पूरी तरह से मैं अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद जो है मैं एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर से इस बीबी क्रीम को जो है अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। बाद इस बेस को जो है वो पूरी तरह से सेट कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ द कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट के लिए मैं यहाँ पर ये NYB का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। एंड ये भी कॉम्पैक्ट जो है मुझे काफ़ी मतलब अच्छा कॉम्पैक्ट है, बहुत अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट है ये। उसके बाद मैं यहाँ पर करने वाली हूँ मेरा आई मेकअप। आई मेकअप से पहले आता है कि आईब्रो अच्छी तरह से फिलिंग कर लेना चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पर लेयॉन का 9HD कलर का पैलेट जो है वो है यूज़ कर रही हूँ। एंड इसमें से मैं जो है एक लाइट शेड जो है पिक कर अपने ब्रोज को जो है मतलब अच्छे से फिलिंग कर लूँगी। आज जो है मेरे ब्रोज को अच्छे से मतलब एक बार जो है इसे स्पूलिंग कर लेती हूँ। बाद बारी आती है आई मेकअप की, मतलब मैं बहुत मतलब थोड़ा सा टेंस में हूँ आई मेकअप जो है मतलब बहुत अच्छी तरह से आ जाए, क्योंकि वो आई मेकअप जो है मतलब वो पूरी तरह से एक स्मोकी आई लुक है, मतलब पूरी तरह से एक ब्लैक स्मोकी आई लुक। मैं यहाँ पर मतलब बहुत एक जस्ट लाइटली मैं ड्रॉ करूँगी। यहाँ पर जो है मतलब थोड़ी तरह मैंने ड्रॉ कर लिया है एंड उसके बाद मैं इनर जो है मैं फिल कर लेती हूँ। स्लोली मैं तो
एंड उसके बाद जो है मैं एक फ्लैट ब्रश की मदद से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर अच्छे से मतलब ब्लेंड कर लूँगी। मतलब इधर आपको जो है मतलब अच्छी तरह से मतलब ब्लेंड कर लेना है। बाद में इस स्विस ब्यूटी के पैलेट में से यहाँ पर ये ब्लैक कलर का शेड जो लेकर मैं थोड़े सा मतलब जो है मतलब अच्छे से तरह से मैं फिलिंग कर लूँगी। एंड मैंने यहाँ पर मतलब एक आई पर जो है मतलब अच्छी तरह से मैंने अप्लाई कर लिया है। एंड मैं दूसरे इस पर भी मैं ऐसे ही मतलब फाइनली मैंने अपना आई मेकअप जो है मतलब कंप्लीट किया है। एंड आप देख सकते हो मेरा आई लुक। एंड उसके बाद जो है मैं नीचे थोड़ा सा मतलब मेरे वाटर लाइन पर जो है मैं यही मतलब ब्राउन शेड जो है वो है अप्लाई करने वाली हूँ। बाद जो मेरे फेस पर थोड़ा सा मतलब यहाँ पर जो है थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो जो है अप्लाई किया था ना वो थोड़ा सा फॉल आउट हुआ है। एंड उसके लिए मैं क्लीन ब्रश की मदद से पूरी तरह से मैं रिमूव कर रही हूँ। बाद में इस आई मेकअप को फिनिश करूँगी विद द हेल्प ऑफ द मस्कारा। पर कंप्लीट होता है मेरा आई मेकअप। एंड मुझे आप नीचे कमेंट कर बोलिए कि आपको ये आई मेकअप जो है मतलब अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा। मतलब दीपिका पड़ुकोन जैसा ही आई मेकअप जो है आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है। मतलब बहुत मेहनत लगा इस लुक को। पर मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाली हूँ थोड़ा सा मैं ब्रॉन्जर जो है मैं अपने फेस पर जो है अप्लाई करूँगी। ये मैं अपना कॉन्टोर जो है वो भी कर लेती हूँ। जो है मैं इसी पैलेट में से मैं यहाँ पर लाइट पिंक कलर जो है मैं यहाँ पर ब्लश जो है अप्लाई करने वाली हूँ। बारी आती है हाइलाइटिंग की। फिर इसी पैलेट में से मैं अपने फेस को जो है मतलब अपने पॉइंट्स को जो है मैं हाइलाइटिंग कर लूंगी। एंड मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स के मतलब लिंक प्राइस वगैरह जो है मैं डिस्क्रिप्शन पर मेंशन कर दूंगी। आप वहाँ से जाकर ना आराम से चेकआउट कर लीजिए। की बारी आती है लिपस्टिक की। लिपस्टिक के पहले यहाँ पर अप्लाई करना है थोड़ा सा लिप बाम। यहाँ पर लिपस्टिक के लिए अप्लाई करने वाली हूँ मतलब एक न्यूड शेड। मतलब दीपिका पाडुकोन जी ने अप्लाई किया था मतलब वो भी एक न्यूड शेड ही था। लिपस्टिक जो है वो है कर लिया है अप्लाई। एंड उसके बाद जो फाइनल बारी आती है वो है कि मेकअप सेटिंग स्प्रे। एंड मैं थोड़ा सा मतलब मेकअप सेटिंग स्प्रे जो है वो है अप्लाई कर लेती हूँ। मेकअप जो है वो अच्छे से आपको सेट कर लेना है। फ्रेंड्स मैं हाइलाइटर जो है अपने ब्रो बोन के तरफ मतलब लगाना भूल गई। आज जो है इनर कॉर्नर्स में भी मैं हाइलाइटिंग करना मतलब थोड़ा सा हाइलाइटिंग जो है वह अप्लाई कर लूंगी।
और मेरा मेकअप लुक जो है वो ही कंप्लीट होता है एंड उसके बाद मैं ज्वेलरी वगैरह पहनकर आपको फाइनल लुक जो है वो है दिखाने वाली हूँ। ये रहा मेरा फाइनल मेकअप लुक। फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरा ये लुक जो है आपको पसंद आया हो तो या वीडियो जो है आपको थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो पर एक ज़रूर सा एक लाइक कीजिए फ्रेंड्स। और चैनल पर नए हो तो पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाए फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब आप एक लाइक आप एक कमेंट ना मुझे बहुत मोटिवेट करता है। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए फ्रेंड्स। एंड मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो भी कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है कनिशा स्टाइल्स। एंड चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन फ्रेंड्स टेक केयर बाय।